जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो खोवत है सो रोवत है। बेटा राजू, तेरे पास है ही क्या जो तू खोएगा और रोएगा है। यहां तो सब सब देना ही देना है। ले हनुमान जी का नाम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। चलो उठो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये लो चाय पी लो।
जिस्म है, क्या जवानी है, कितनी खुशनसीब होगी वो जिसे ऐसा मर्द मिलेगा। बुलेट है बुलेट। अरे छबिली क्या कर रही है यहाँ? जवानी जवानी को देख रही है। हट, बीच में तेरा क्या काम है? तुझे शर्म नहीं आती? घर में पति होते हुए दूसरों पर नजर रखती है? मैं तुम्हारा मर्द हूँ। हाँ मर्द है तू मेरा। अरे तू तो मेरी नंबर प्लेट है। जिस गाड़ी की नंबर प्लेट ना हो उसका चालान हो जाता है, इसलिए तो तुम्हें मैंने अपने पास रखा है। अरे कहीं तू मर्द होता तो ये खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती। ऐसी तैसी इस खिड़की की, खुली रह जा बंद, मैं सारा टंटा ही खत्म कर देता हूँ। उसने 3 महीने का किराया देना है, मैं अभी जाकर बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। खबरदार, अगर उसे तूने घर से निकाला तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे किराए की फिक्र तू ना कर, मैं भी बनिए की बेटी हूँ, वसूल करके ही रहूंगी। इस तरह से नहीं तो उस तरह से। चल जा, तू बाथरूम में जा, वहीं पर जाकर अपना गुस्सा निकाल ले। चल जा। हे बजरंग बली, कब से खा रहा हूं ये मूंगफली, कोई नौकरी तो दिला दे प्रभु, ताकि तेरे इस भगत को नाश्ते में एक गिलास दूध नसीब हो जाए। हाय तरस गया हूं दूध को मैं। हमारे होते हुए तुम क्यों तरसोगे? ये लो दूध लाई हूं तुम्हारे लिए। पूरा गिलास मेरे लिए? गिलास क्यों, तू कहे तो सारा डेरी फार्म तेरे हवाले कर दूं। शर्मा मत मेरे राजा, डेरी फार्म हमारा अपना है। लो मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाती हूँ। ठहरो, डेरी फार्म का मालिक मैं हूँ, और जब तक ये किराया नहीं देता इस घर के दूध की एक भी बूंद इसको पीने नहीं दूंगा, और ये मैं पीऊंगा। अरे मैं तो तुम्हें बाथरूम में बंद करके आई थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? दरवाजा बंद किया था, खिड़की तो नहीं बंद की थी, मैं वहां से आ गया। आए, आए। अरे मैं तो उससे किराया वसूल करने वाली थी। किराया वसूल तो मैं करूंगा। भाग्या बदमाश, मैं उससे किराया वसूल करके ही रहूंगा।
कौन थी? बोल बोल, मुझे बचा ले भाई। बता, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। बता ये जमालो कौन है? अरे 6 साल हो गए शादी हुए, यहाँ एक नहीं जमा था, और सोते हुए उस फलमुखी जमालो के नाम की माला जपता है। बता ये जमालो कौन है? बता। गुलाबो, तुझे क्या बताऊं? अरे मैं सपना देख रहा था, सपने में दही दूध की दुकान में काम कर रहा था, मैं दही जमाने की बात कर रहा था। गुलाबो, हे भगवान, इसको बुद्धि दे। साधुओं और संतों के चक्कर में मेरी जवानी रोल रहा है। चल उठ, घास रेड लेके आ, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा, नामर्द कहीं का। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। ये सरासर झूठ बोलती है कि मैं मर्द नहीं हूं, इसकी बात का यकीन नहीं करना। अपन 100% मर्द है। क्या वो स्वामी जी ने शराब दे रखा है ना कि जिस दिन तू बाप बनेगा उस दिन तेरी मौत हो जाएगी, इसलिए चुप बैठा हूं। वरना इस घर में इतनी ची ची प्या प्या पैदा कर देता कि इसकी हालत बिगाड़ देता। मैं अस्पताल में पड़ी होती। मुझे मर्दों से नफरत है, बच्चे नहीं चाहिए। मैं नहीं अभी तक। भाई साहब, ये क्या हो रहा है? क्या खा रहे हैं? जामुन खा रहा हूँ। खाओगे? जामुन खा रहे हैं? हाँ। कहाँ है जामुन? सोच के खा रहा हूँ। भाई साहब, सोच के ही खाना है तो खरबूजा खाइए, कलिंगड़ खाइए, अंगूर खाइए, ताकि थूकना नहीं पड़े आपको। मजाक छोड़ो भाई, एक तो बेरोजगारी से परेशान हूं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अंगूर खाऊं? माफ करना भाई, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने दुखी हो। काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो मेरी गैरेज में। हा? मगर खाने पीने के साथ 200 रुपए महीना, शुरू शुरू में। खाने पीने के साथ 200 रुपए? यानी मुझे काम मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं, समझो मिल गया। एक्टर दबा के हॉर्न बजा के। ये पकड़ो, ये पकड़ो। चलो। रामू, ये कौन झगड़ रहा ऊपर? अरे उस्ताद और भाभी आपस में झगड़ रहे हैं, ये तो हर रोज की बात है। क्यों? वो क्या है कि उस्ताद को किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि वो जिस दिन बाप बनेगा उसी दिन उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए उस्ताद की शादी के 6 साल हो गए अभी, अभी तक उन्होंने हनीमून नहीं मनाया। बेचारी भाभी की बहुत ख्वाहिश है बच्चों की, इसीलिए उन दोनों में डेली रोजाना झगड़ा होता रहता है। राजू भैया, आप अपना काम कीजिए। हाँ। ये तो होता ही रहता है। हाँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। क्यों? पता नहीं। गया, आप उठ सकती हैं। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए क्या काम करना होगा। अगर आप ये मेरा पार्सल पागलखाने पहुंचा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पागलखाने? हाँ हाँ, मगर किसे देना होगा? आप जल्दी से जल्दी वहां पर ले आइए, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। हाँ, दिल हॉस्पिटल। अरे राजू ढूंढो, अरे कहाँ फंस गए हम, कहाँ ये वो। खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ?
मेरा नाम राजू है। ओ, देखने में तो बहुत नेक और सुलझे इंसान लगते हो, झूठ तो नहीं बोलते आप? जी नहीं, कोशिश तो यही करता हूँ। हेरा फेरी भी नहीं करते होंगे? बिल्कुल नहीं। रिश्वत तो बिल्कुल नहीं लेते होंगे? तौबा तौबा, आप भी बहुत बड़े पागल हैं। यहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपको जल्दी ही ठीक कर देगा। अरे, एक राहगीर रस्ते में खड़ा था, एक आदमी से पूछता है, भैया ये सड़क आ रही है? उसने कहा, अरे मूर्ख, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये सड़क यहीं पर पड़ी है। इधर का ये खास नमूना है, अपने आप को टाइम पीस समझता है, पूरे के पूरे दिन पूरी की पूरी रात टिक 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 करता रहता है पागल। देखो 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 देखो, चार बजे का अलार्म लगाया, देखो 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 तुम्हारी घड़ी में चार बजा, देखो 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 चार बजा, मैं इसका अलार्म अभी बंद करके आता हूँ। पापड़ टिक 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 पापड़ 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 पापड़। यहाँ तो सभी जैसे हैं, लेडीज वार्ड। या मेरी खुदा, ऐसी नापाक बातें अपने जुबान पर नहीं लाते, ऐसा नहीं कहते। ये पैगाम हमारा है, जब हमारी आँख खुली थी तब हमने उसे अपने कदमों पे पाया था। नहीं नहीं, ऐसी बातें कहकर हमारा दिल मत तोड़ो पिपल, ये पैगाम हमारा है। हाँ हाँ, ये पैगाम आप जाइए। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफी तकलीफ दी ना मैंने? नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, आप कहें तो मैं आपके साथ। साथ जहाँ तक आपने देना था आपने निभा दिया, इसके आगे तो मुझे तो पागल ही लगती है। माँ, आज तेरा जन्मदिन है, देख देख तेरी बेटी तेरे लिए क्या लाई है, केक, तेरा फेवरेट केक, ये ले, ये खा, खा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्या? सुनिए, सुनिए, टैक्सी। अजी अजी सुनिए, अजी सुनिए, अरे ये। तेरी तो मैं, अरे मरवा दिया मेरा जी। अरे मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं? क्या बात है? अंदर चलो। अंदर चलो? क्यों भाई, अंदर क्यों चलो? पहले ये बताओ बात क्या है। ओह भैया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीच सड़क पे नहीं हो सकती। अंदर चलो, तुम्हारे भला होगा, चलो। अरे, अरे, अरे अंदर अरे, तो चलो। मम्मी मम्मी मम्मी, ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। और माँ ये है राजकुमार, प्यार से लोग राजू कहते हैं। अच्छा राजू, तुम ये कार देख रहे हो ना, इसे हम बेचना चाहते हैं, तुम खरीदोगे? मैं ये कार खरीदूंगा? आपको मेरी शक्ल ये कार खरीदने वाली लग रही है? लगती है, तभी तो तुम्हें बुलाया है। हाँ बेटा, ये सही कह रही है। हाँ, मुझे तो लगता है कि
आप दोनों के ऊपर वाला खाना ही खाली है। अरे हमारे सारे खाने भरे हुए हैं। हाँ। हम पूरे होशो हवास में हैं। क्यों मम्मी? हाँ मैं एक बार फिर तुमसे पूछती हूँ, तुम ये कार खरीदोगे? खरीदने को तो मैं हवाई जहाज खरीद लूं, मगर अपनी औकात में आपको खुद बता देता हूँ, ये कार है ना, इसका एक टायर तक मैं नहीं खरीद सकता, और आप मुझे कह रही हैं कि कार खरीदो। बेटा जब किसी की लॉटरी लगती है तो औकात देखकर नहीं लगती। तेरी जेब में कुछ पैसे तो जरूर होंगे, बता कितने हैं? ये सिर्फ 10 रुपए। बहुत है, तू भी क्या याद करेगा, हमने 10 रुपए में तुझे एक कार बेच दी। लो पकड़ो, ले अब ये तेरी हो गई, तू ले जा इसे जहां तेरा जी चाहे। ए, ये तूने अपने आप को थप्पड़ क्यों मारे? मैं ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि मैं पागल खाने के बाहर आ चुका हूँ या वही खड़ा हूँ। अरे भाई 10 रुपए में एक खिलौने की कार नहीं मिलती और आप मुझे ये समझ लो तुम्हारी लॉटरी लग गई। हाँ ये मजाक नहीं, इट इज रियलिटी। चलो अभी चलो ना। ये खटारा चलती भी है या? अरे चलती नहीं, दौड़ती है। अब देखता क्या है, कार स्टार्ट हो रहा, निकल जा। सच्ची सच्ची राजू वाह, अरे हमारी गैरेज में ऐसी गाड़ी आती रहेगी तो बहुत जल्द मालदार बन जाएंगे। अरे उस्ताद ये रिपेयर के लिए नहीं, अपनी गाड़ी है अपनी मेरी। हाँ अरे उस्ताद पहले तो अपन बेकार थे, अभी अपन कार वाले हो गए। अरे उस्ताद मैंने चोरी नहीं की, मैंने खरीदी है ये गाड़ी। खरीदी? हाँ इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अरे उस्ताद सुबह जो तुमने मुझे 20 रुपए दिए थे ना, उसके 10 रुपए के मैंने रसगुल्ले खाए और 10 रुपए जो बाकी बचे थे उसकी गाड़ी खरीद ली। 10 रुपए के रसगुल्ले खाए? उस्ताद शागिर्द ये 10 रुपए रसगुल्ले में खराब करने की क्या जरूरत थी? 20 रुपए में इससे बढ़िया गाड़ी नहीं आती है। लेकिन उस्ताद मजाक छोड़, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे उस्ताद मैं भी उस माँ बेटी को यही समझ रहा था जब उन्होंने मुझे 10 रुपए में गाड़ी बेच दी। अरे उस्ताद जब खुदा देता है ना छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये गाड़ी कैसे आई यहाँ पर? चलकर आई है साहब, मैं इसे चलाकर लाया हूँ। ये तो थाने में चलकर मालूम पड़ेगा कि चोरी की गाड़ी कैसे चलती है। साहब ये रहे इसके कागजात, देखिए देखिए ये गाड़ी मेरी है, मैं इसे खरीद के लाया हूँ। अरे ये देखिए ये नकली नहीं है, ये देखिए ये तो डिप्टी साहब बताएंगे कि ये कागजात असली है कि नकली है। लो जी और सुनो, अब ये गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने आए हैं, कहते हैं कि हमने 10 रुपए में कार खरीदी है। अरे बेवकूफ के बच्चे 10 रुपए में कुत्ता नहीं आता और तू कहता है कार खरीदी है। नीलू साहिबा आप ठीक फरमाती हैं, इसने आपकी कार चोरी की है। नंबर 311 ले जाओ इसे और बंद कर दो लॉकअप में। उस्ताद साला चोर, ये चोर नहीं है, ये सच कह रहा है, हॉर्न बजा के इसने 10 रुपए में गाड़ी खरीदी है ब्रेक लगा के। चुप बे, अपना मुंह बंद रख नहीं तो तेरा हॉर्न बजा दूंगा। थानेदार साहब ये चोर नहीं है, इन्होंने ये गाड़ी सचमुच 10 रुपए में खरीदी है और ये गाड़ी हमने इन्हें बेची है। थानेदार साहब दरअसल बात यह है कि ये गाड़ी स्वर्गीय सेठ धर्मदास जी की है, जिनका ध्यान अभी पिछले ही महीने हुआ है। यह है सेठ जी की धर्मपत्नी जमुना देवी और यह है नीलू स्वर्गीय सेठ जी की रखे। Please sit down. Thank you. यह है स्वर्गीय सेठ जी की वसीयत। इसके क्लॉज नंबर 5 के अनुसार सेठ जी ये कार या इसके बिकने पर मिलने वाला पैसा नीलू देवी को देने की तागिद कर गए थे। लीजिए हुजूर आप खुद ही पढ़ लीजिए। का कहना ठीक है वकील साहब, इसमें यही लिखा है। नंबर 311 इन्हें छोड़ दो। लीजिए आपकी अमानत। ये धोखा है, 420 है, मैं अदालत में जरूर जाऊंगी, इसको और इसकी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ आप अदालत जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए,
लेकिन आप थाने से तशरीफ ले जाइए। ये जो कुछ भी हुआ है कानूनी तौर पर हुआ है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने चूचड़ा की तो मैं फौरन अंदर कर दूंगा। जाइए साहब, ये कार आपकी है, आप मौत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको, काम अच्छा ना था, अंजाम भी अच्छा ना हुआ। बकवास बंद करो, मैं सबको देख लूंगी। लगता है आज मैडम का दिल फिर किसी ने दुखाया है। अपनी काली जबान बंद कर, नहीं तो काट कर रख दूंगी। लगता है पिछला हश भूल गया है तू। आपकी इनायतों को भला हम कैसे भूल सकते हैं। आए? एक कप चाय लाना। अरे लार क्यों टपका रहा है, चाहिए क्या? हाँ मीटर वाली है ये, है किराए की कली, कभी तेरे साथ चली तो कभी मेरे साथ चली। तो फिर करो ना बात, जेब में माल है। जरा एक मिनट, इधर आइए जरा। इनके साथ चलोगी? 1000 लगेगा। नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यकीन रखिए मैं बेसिकली शरीफ आदमी हूं, घबराइए नहीं। ठीक है दोस्त, तुम चलो, मुझे अपनी मंगेतर से मिलना है, वरना मैं भी तुम्हारा साथ देता। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। जल्दी भी क्या है डार्लिंग, अभी तो पूरी रात बाकी है। नहीं डार्लिंग, अब रहा नहीं जाता। लगता है पहली बार किसी लड़की से मिल रहे हैं अब। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर तुम जैसी खूबसूरत पहली बार मिली है। किसी ने सच ही कहा है, इस शहर की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। Cheers. Cheers. बहुत दिनों के प्यासे हो शायद। तो बुझा दो ना इस प्यासे की प्यास। प्यास तो मैं ऐसी बुझाऊंगी राजा कि इस शहर और शहर वालियों को हमेशा याद रखोगे। इन कपड़ों के पर्दे को हटा दो ना। अरे मेरे दरवाजा तो बंद कर दो ना। तुम्हारी प्यास तो मैं अच्छी तरह से बुझाऊंगी। मार गई मेरी पॉकेट। पकड़ो पकड़ो।
राजू, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। कौन? वही कमीना जो मुझे बहन बनाकर ले गया था और अब बीवी बनाने के चक्कर में है। राजू, राजू प्लीज दरवाजा खोलो। राजू चलो जल्दी चलो। अरे अभी आगे बढ़ाओ, कहीं वो यहाँ ना आ जाए। चलो ना चलो। मगर जाना कहाँ है? जहाँ तुम ले चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? कभी जंगल में कभी खंडर में। तेरा घर है? हाँ। वही चलते हैं। हाँ, क्या? कितना सुंदर घर, कितना बड़ा, कितना प्यारा। वाकई तुम्हारा घर लाजवाब है। और आराम देवी, और कौन कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। थैंक गॉड। अब तुम्हें कोई ये तो नहीं कहेगा कि किसी मीटर वाले को उठा लाए हो। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये सब क्यों करते हैं? ये ग्राहक फंसाना, जेब काटना, ये। देखो राजू, धंधे की बातें घर से बाहर होनी चाहिए। घर में सिर्फ घर की बातें होनी चाहिए। ना मैं तुमसे तुम्हारे धंधे के बारे में पूछूंगी और ना तुम मुझसे मेरे धंधे के बारे में पूछना। मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपका बाथरूम किधर है? मैं नहाना चाहती हूँ। वहां। थैंक यू।
हाय मेरी छबीली, तू कितनी है नुकीली और कटीली। तूने मेरा दिल और जिगर और सब कुछ जख्मी कर दिया। मेरी छबीली, तूने हुस्न की छबील लगा रखी है। मुझे प्यासे को भी दो घूंट पिला दे। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। लड्डू, जलेबी, बर्फी, कचौरी। लाला ये मुझे दे, इतनी सारी मिठाइयाँ। मेरा राजू देखेगा तो कितना खुश होगा। छबीली, मैं ये राजू के लिए नहीं, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। और मैं ये राजू के लिए ले जा रही हूँ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तू हट। हाय ओए, आप मर गए। ये ले मेरे राजा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। जलेबियाँ, समोसे, लड्डू, खा ले। हे राम, कैसा अंधेर छा गया। माल मालक का और ऐश कर रहा है किराएदार। मैं क्या करूं, कहां जाऊं। कोई हमारा भी है इस जहान में। मैं आया मेरी जान, मैं आया आया मेरी जान आया। मजा आ गया। कमीने, दिखा दी ना अपनी जात, शादी मुझसे की और लिपट रहा इस औरत से। चल हट, शर्म नहीं आती। चल आज मैं तुझे दिखाती हूँ। चल, अरे चल तू। वाह भाई वाह, मकान मालिक हो तो ऐसा, जो किराया भी ना ले और मिठाइयां भी खिलाए। अब मैं समझी तुम इतने मीठे और नमकीन क्यों हो। मकान मालकिन तुम पर मेहरबान हो गई है प्यारे, इसलिए तो तुम्हें जलेबियां और कचौरियां खिलाती रहती है। नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो, हमारे तो मौज हो गई। क्या बढ़िया डिनर खाया है हमने।
हमें तो नींद आ रही है। सोने का है? वहीं जा तुम बैठी हो। गुड नाइट। और तुम कहां सोओगे? किचन में। किचन में क्यों? मेरे पास आके सोचा राजा, मुझे कोई इतराज नहीं। बड़ी बेशर्म है ये तो। बाहर जा रहे हो तो लाइट ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती है। गुड नाइट। ये तो बहुत बदमाश है, क्या जाने कब थूक लगा जाए। मगर ये पैसे रखूं कहां? आधे यहां और आधे कहीं और, बचाव में ही बचाव है। इससे सेफ कोई जगह नहीं है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब नाइट कहां जो स्लीपिंग रे। उठिए मेम साहब, चाय हाजिर है। नहीं सुनेगी, अभी उठिए जी, मुझे काम पर भी जाना है। इस तरह नहीं सुनेगी तो तुम्हें मुझे ही उठाना होगा। गई, उड़ गई। पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, अरे पैसे, अरे मेरे पापा। खाली कर गए। राजू, तेरी तो वो मार गई पॉकेट, अब और लेकर आ बेटा लौंडी अपने घर आए। हाँ हाँ, नहीं थोड़ी बहुत शराफत तो जरूर है, कम से कम पेट्रोल भरवाने के पैसे तो छोड़ गई है। चालू चीज मगर है खानदानी। गाड़ी, मेरी गाड़ी कहां गई? काबू में। मेरी बेटी को पड़े हो। अरे छोड़ो भाई, हमने कुछ नहीं, ना ही हमने कोई चोरी की है, ना ही कोई जेब काटी है, ना ही किसी का दिल दुखाया है। फिर ये किस जुर्म में हमें यहाँ पकड़ कर लाया है? अरे ये थाने में पुलिस वाले सिर्फ मुजरिमों को ही पकड़ कर लिया है, तो इस देश में से तमाम जुर्म खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगा के इनको भी रिटायरमेंट तक ड्यूटी करना है, बच्चों का गुजारा करना है, एक्सीटर दबा दबा के। सुमान को बंद कर, नहीं तो तेरे को अंदर बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर क्या किया उन्होंने? हुजूर, ये अपनी कार को स्टार्ट करके बीच चौराहे में छोड़कर भाग गए, उसके बाद पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। और ये हुजूर वही आदमी हैं जिन्होंने कार खरीदी थी। हुजूर, ये जुर्म मैंने ही किया है, मैं मुजरिम हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। हेलो। ठीक है।
अरे तू गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाता है। हा? वो गाड़ी तो रेखा नाम की लड़की चला रही थी, उसी का टेलीफोन था। उसने तो कोर्ट में जुर्माना भी भर दिया है। और तू गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाता है। वाह नीलू वाह, तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैंने तुम्हारा नहीं अपना दिल खुश किया। भूख तो हमें भी लगती है ना, तुम्हें तो मैं अब खुश करूंगी। वाह, क्यों कैसी लगी ये? देखते ही लार टपक गई ना। डाली से लटका हुआ पक्का फल है ये, जिसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। कौन है ये, तेरी क्या लगती है? रिश्ते में तो ये मेरी बेटी लगती है। बड़ी कमीनी औरत हो, शायद दुनिया की पहली मां हो जो अपनी बेटी को अपने हाथों नरक में धकेलना चाहती है। ये लो अपनी फीस और अब बोलो। मैं तो तुमसे भी बड़ा कमीना हूं नीलू, पैसे भी मिले और मजा भी, मुझे क्या एतराज है? मां को तो अभी तक खुश करता ही आया हूं, अब बेटी को भी खुश कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इसे ना तो किडनैप करना ना तो जोर जबरदस्ती, इसे बड़े प्यार से मोहब्बत जताकर अपने जाल में फांसना। आखिर मां हो ना, अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। जी मां जी। हां तो आपने रजनी को रोकना था ना। हाँ तो ठीक है, मैं और उस्ताद जाते हैं और रजनी को समझा कर ले आते हैं। कुछ सा नजर और कहीं न नजर में, कहीं न नजर में।
हुस्न वाले हुस्न की अदा बड़ी चीज है, ये नखरा ये नाक ये हया बड़ी चीज है। मछली जो गई गली में उड़ जाएगी, अरे मछली जो गई गली में उड़ जाएगी, रोएगी चिल्लाएगी तू बड़ा पछताएगी, रोएगी चिल्लाएगी तू बड़ा पछताएगी। जाल तेरे वास्ते तैयार हो गया। हले हले तेरा मेरा प्यार हो गया, प्यार 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 मेरे यार हो गया। हले 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 हले। ये क्या है? टिक्का नहीं नाश्ता है। ये जली हुई रोटी, जला हुआ आमलेट, जला हुआ टोस्ट, हर चीज जली हुई, वेल्डिंग करा के। हाँ मैंने इनके सारे विटामिन जला डाले। क्यों? क्योंकि तुम्हें ताकत वाली चीजों की क्या जरूरत है, लो खा लो इसे और ये भी पी लो। ये क्या है? ये सूप है धनिये का, इसे पियोगे तो तुम्हारे अंदर जो थोड़ी बहुत गर्मी रह गई है वो भी शांत हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे समझते क्या हो हॉर्न बजा के? तुम्हें सब कुछ समझती हूँ लेकिन मर्द नहीं समझती। अगर मर्द होते तो अब तक कई बच्चों के बाप बन गए होते, तुमसे तो वो अच्छे। क्या? एक तू मुझे गुस्सा मत दिलाना, मैं तेरे को बता दो मैं क्या हूँ। खड़े रह वहाँ, अभी बता दो मैं तेरे को। मेरा बच्चा क्यों अग्नि पथ पर आगस्त हो रहा है? संभल, तेरा भविष्य अंधकार में है। भूल गया संतों की भविष्यवाणी को? जिस दिन तू बाप बनेगा उसी दिन तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, लग गई ना ब्रेक है? अपने ही हॉर्न बज गए, उठा तो ऐसे था जैसे। चल चल पीले पीले ये धनिया का सूप, जोश में आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम समझते क्यों नहीं हो गुलाबो, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हें विधवा होते हुए देख नहीं सकता गुलाबो। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? क्या मेरे पल्ले ऐसा ही मर्द पड़ना था जो बस हॉर्न बजाकर ब्रेक लगा देता है? मुझे क्यों मार रहे हो? बता वो लड़की कहाँ है? लड़की की कौन सी लड़की, कैसी लड़की? कुछ याद आया? नहीं। ये लड़की साले, बता ये कहाँ है? कभी तो इसके साथ गाड़ी में घूमता है, कभी तो इसके साथ होटल में, बता। ये लड़की जरा छोड़ना यार, ये लड़की तो बहुत 420 है। 420 है या 520, बता ये कहाँ है? बता रहे कि नहीं? बता रहे कि नहीं? बोल। बताता हूँ यार, बताता हूँ यार, बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये जो लड़की है ना, Ha ha ha!
कितनी बेदर्दी से मारा है जालमू ने। भाभी, बेदर्दी से उन्होंने क्या, बेदर्दी से तो मैंने उन्हें मारा है। तीन चार तो अस्पताल में पड़े होंगे और बाकी कुछ उनकी उनकी भाभियां उनकी सेक कर रही होंगी। लेकिन भैया, तुम्हारे साथ उनकी दुश्मनी क्या है? अरे दुश्मनी क्या भाभी, दुश्मनी तो उस रेखा के साथ है। न जाने क्यों उस बेचारी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जी, वो भी बेचारी, ये भी बेचारा। अरे मजनू को तो लैला के लिए पत्थर भी खाने पड़े थे ग्रीस लगा के, और इनको तो सिर्फ अगर किसी के जख्मों पे मरहम ना लगा सको तो नमक भी नहीं छिड़कना। तुम नमक की बात कर रही हो? अरे मैं तो इस पे मिर्च छिड़कने वाला हूँ लामी लगा के। हराम साधो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने कच्चे शिकारी हो। मैं समझता था कि तुम लोग शेर पकड़ के लाओगे, मगर तुम तो एक मामूली चिड़िया भी नहीं पकड़ पाए। बार बार हाथ आई और उड़ गई। जाओ उसे ढूंढो, वो इसी शहर में है। चलोगी? माल है? हाँ है। 1000 लगेगा। चलेगा, बैठो टैक्सी में। जाने किधर है? मेरे घर में, पास ही है। मुझे तुम्हारी चाह सौ बीचा सब इधर आ, कहां जाती है? चल तुम बाहर चलो। प्लीज इधर आ, मकान मालिक है। चलो उस्ताद के घर चलते हैं। मैं जिस आंगन में खेली, जिस गोद में पलकर जवान हुई, वो एक नेक दिल इंसान थे, हम दर्द थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्हें मैं अपना पिता समझती थी। लेकिन एक दिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी अपनी संतान नहीं हूं। मेरे पिता तो मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही चल बसे थे। इस सदमे से मेरी मां पागल हो गई। उसका भी खर्चा उन्होंने उठाया और उनकी मौत के बाद सब मुसीबतें मुझ पर आन पड़ी। मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी, बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर काटे। मुझे नौकरी देने से किसी ने इनकार भी नहीं किया, मगर मैं ना कर पाई, क्योंकि नौकरी देने से पहले जो मुझसे चाहते थे उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि जिस जवानी की उन्हें भूख है, मैं उसी का झांसा देकर उन्हें उल्लू बनाऊंगी। इसीलिए मैं बड़े बड़े नामी ग्राहक बनाती और उनकी पॉकेट मारकर उनके चंगुल से भाग निकलती। इसलिए मैं तुमसे दूर रहने लगी, तुम्हारे लिए अपने दिल में नफरत पैदा करती रही, क्योंकि मैं यकीन जानती हूं कि जो लड़की भरे बाजार में ग्राहक ढूंढना शुरू कर दे, वो चाहे लाख गंगा क्यों ना हो, उससे पवित्र कोई नहीं मानेगा। देखो रेखा, तुमने जो कुछ भी किया ना, उसने तुम्हें हमारी नजरों में और भी ऊंचा कर दिया है। तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती तो शायद दुखों के इस तूफान में तिनके की तरह बह जाती। मगर एक बात तो बताओ कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? कौन है वो लोग? ये मुझे खुद भी नहीं मालूम कि कौन है,
और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? लेकिन भगवान के लिए अगर वो आपको कहीं मिल भी जाए तो मेरे और मेरी माँ के बारे में उन्हें कुछ मत बताइए। तू फिक्र ना कर बहन, आज से तेरी इज्जत हमारी इज्जत। अब मैं चलती हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, अगर हम तुम्हें काम दें तो तुम हमारे साथ काम करोगी? अब मेरा मतलब है गाड़ी वगैरह साफ करने का, हॉर्न बजा के मुंडू बन के मुंडू। ओ, बात तो तू सही कह रहा है पेंट लगा के। आज से तुम अपना बनकर रहोगी और आज से तुम्हारा नाम है रामदास। जब स्वर्ग का आनंद लेना हो तो सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देनी चाहिए, वरना मुझे भी शर्म आती रहेगी और तुम्हें भी। नहीं नहीं, कोई देख लेगा तो? यहाँ कौन देखेगा पगली, यहाँ तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के साथ करना चाहिए। रजनी आओ, आज हम एक हो जाएं। नहीं, मैं शादी से पहले ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, शादी से पहले हमें ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये लो, मैंने तुम्हारी मांग भर दी, तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया। भगवान जाने रंगीला और भाभी के झगड़े कब खत्म होंगे। कितने अच्छे हैं दोनों, मुझे तो दोनों पर तरस आता है। लगता है हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? आ गया। कौन आ गया? आइडिया। कैसा आइडिया? सुनो, अब आजी बस में इस आदमी ने तो मेरा जीना नरक बना दिया। अगर औरतों से इतना डर लगता था तो कहीं और जाके मरता, मुझसे शादी क्यों की? गुलाबो मेरी बात तो समझने की कोशिश तो करो। शिव शंभु, जय शिव शंभु। महाराज आ गए सिग्नल तोड़ते हुए। बालक, क्या तुम्हारा नाम ही रंगीला है? जी महाराज। बालक, हम हिमालय से आ रहे हैं, हम 108 स्वामी हरि हर प्रसाद महाराज जी के शिष्य हैं। स्वामी हरि हर प्रसाद जी के? स्वर्गीय हरिहर प्रसाद महाराज जी के। स्वर्गीय? क्या स्वामी जी परलोक सिधार गए? हाँ वत्स, वो इस मिथ्य संसार को छोड़कर चले गए हैं वत्स। स्वामी जी आप मुझे अनाथ कर गए। स्वामी जी चुप पुत्र चुप। स्वामी जी का ये आदेश था कि उनके पीछे कोई रोए नहीं, उनका तुम्हारे लिए खास संदेशा है जो हम तुम्हें देने आए हैं पुत्र। महाराज बैठिए, आइए बैठिए महाराज। हाँ। बैठिए महाराज, ये मेरी धर्म पत्नी है, बहुत चंचल कोमल निर्मल शांत स्वभाव की है महाराज। दिख रहा है बालक, दिख रहा है बालक, हमारे पास समय नहीं है। स्वामी जी जो तुम्हारे लिए संदेशा दे गए हैं वो तुम सुनो, फिर हम प्रस्थान करेंगे। जी महाराज। पुत्र, स्वामी जी का कहना था कि तुम्हारा बुरा समय सब खत्म हो चुका है, तुम्हारे जितने सितारे चक्कर काट रहे थे ना, अब सब उल्टे चक्कर काट रहे हैं। उल्टे चक्कर काट रहे हैं पुत्र। उल्टे चक्कर? मेरे सितारे? महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? पुत्र, स्वामी जी का कहना था कि तुम्हारे जितने चक्र चल रहे हैं ना, सब सीधे हो गए हैं पुत्र, सब सीधे हो गए हैं। अब तुम बाप बनोगे तो कभी मरोगे नहीं बच्चा। और जितने बच्चे पैदा करोगे उतनी तुम्हारी उम्र दुगनी होती जाएगी, दुगनी होती जाएगी पुत्र। महाराज ठहरिए, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, फल लाती हूँ, मिठाइयाँ लाती हूँ। ना पुत्र ना, हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, हम बस चलते हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। महाराज
धन्य है महाराज, धन्य। चौदवी का चांद हो या आफत हो, क्या कहा? आफताब हो। अरे 6 बरस हुए शादी किए, सुहागरात आज मना रहा हूं, लंबी ब्रेक लगा के। पहले इसे पी ले, इसमें बादाम है, काजू है, किसमिस है, ताकत की सभी चीजें हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए ताकत की चीजें, मुझे स्वामी जी की आज्ञा चाहिए थी, वो मिल गई। अब देख नजारा गेर बदल के। पहले बत्ती तो बंद कर दो वरना लोग बेशर्म कहेंगे। बस भी कीजिए ना। मत रोको हरी काका, मुझे मत रोको, बैठो। एक वक्त था हरी काका जब हम इसे छूते तक नहीं थे, ये तब की बात है जब हम इस औरत को प्यार की देवी समझ बैठे थे, और जब वो मुझे मिली। क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूं? एक शर्त पर। फोटोग्राफ्स आपको मुझे देनी पड़ेंगी। वेरी गुड। आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकती हैं। जरूर। इंदर मोहन साहनी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ। गुड। फोटोग्राफी मेरी हॉबी है। थैंक्स। नाइस टू मीट यू। ओके, सी यू अगेन। राइट। रोज का मिलना जुलना मोहब्बत में और मोहब्बत शादी में बदल गई। शादी के वक्त हमने अपनी तमाम दौलत उस पर नछावर कर दी, लेकिन यह सब कुछ धोखा था। उसी दिन से इस नरक में जीवन के अंतिम दिन गिन रहा हूं, फिर भी दुआ करता हूं कि भगवान इस औरत को सही रास्ते पर ले आए। घी के पराठे, मस्का, डबल ऑमलेट, आज तो तुमने कमाल कर दिया कलर दबा के। तुम डबल मेहनत करते हो ना, ताकत की जरूरत। ये धनिये का सूप? अब धनिये की क्या जरूरत है जी, मैं तो धन्य हो गई। ये मटन सूप है।
आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। वाह 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 वाह, आज लगता है कि सूरज पश्चिम से निकला है रिवर्स गियर लगा के। राजू यूं कहो कि सूरज आज ही पूरब से निकला है। अरे भला वो स्वामी जी के चेले का अगर उनका संदेश वो देने ना आता तो। क्यों भाई, क्यों हंसना मना है क्या? नहीं जी नहीं, अब तो इस घर में झगड़ना मना है। हंसो, खिलखिला के हंसो, हॉर्न बजा के हंसो। जी हंसो जी हंसो। अरे मैं खुश, गुलाबो खुश, ये खुश, ये खुश, पराठे खुश और अंडे खुश, सूप खुश, खुश खुश खुश। अब गाँव लगा दो जी। माँ कैसी हो? माँ, माँ ये राजू है। मेम साहब, डॉक्टर साहब ने बुलाया है। माँ हम अभी आते हैं। अच्छा देखो रेखा, एक उम्मीद की किरण नजर आई है। अमेरिका से ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस आ रहे हैं। अगर उनसे तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कराया जाए शायद वो ठीक हो सकती है। मगर मगर क्या? उस पर कम से कम 25,000 रुपए खर्चा आएगा। डॉक्टर जी आप पैसों की फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, उनके आते ही मैं आपको इतला कर दूंगा। राजू आ रहा है। तुम अपना काम करते रहो, कुछ नहीं हुआ। अगर उसने पहचान लिया तो मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं पहचानेगा तो समझो हम कामयाब। तुम अपना काम करते रहो चुपचाप। एक लड़की आपसे मिलने आई है। क्या नाम है? रजनी। तुम्हारी बेटी आई है तुम्हारी जगह लेने। भगा दो उसे, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब देखती हूं वो कितने दिन अपने इस पाप को छुपाती है। उससे कह दो कि साहब एक बहुत जरूरी काम में बिजी है। फिर कभी आए फोन करके। सॉरी मैडम, साहब तो इस समय बहुत जरूरी काम में बिजी हैं। फिर कभी आइएगा फोन करके। देखना यार, अब वो बुढ़िया हमारी गाड़ी कैसे नहीं देती। इसमें मेरा भी बराबर का योगदान है नीलू। उसकी लाडली बेटी को अपनी पत्नी बनाने में मैंने भी काफी खून बहाया है। वैसे बेचारी बुढ़िया बेटी की करतूतों की फोटो देखकर रोने लगी और कहने लगी, थोड़ा सा वक्त हमें दे दो मेरी बहन। नीलू जी घर पे हैं? नहीं वो तो घर पे नहीं है। बेटी तुम कौन हो? रो मत बेटी, बताओ तो सही क्या बात है। नीलू जी के पास मेरे और शक्ति के फोटोग्राफ से नेगेटिव से, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर। प्लीज मुझे वो फोटोग्राफ वापस चाहिए। तुम उस हरामजादी के चक्कर में कैसे फंस गई? घर कोई बात नहीं, मैं वो फोटोग्राफ वापस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम रो मत बेटी। थैंक यू सर। हाँ हाँ मैंने फोटो खींचे हैं, तुम क्या कर लोगे? अरे उस मां और बेटी को तो मैं रोड पर लाकर छोड़ूंगी। अब तुम देखते जाओ उसका बंगला मैं अपने नाम पर कैसे करती हूं। नीलू
उस बच्ची के जीवन से मत खेलो नीलू। अरे वो तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है? तो ये मकान मुझे दे दो। मुझे तो सिर्फ मकान चाहिए। एक हाथ से मकान दो और दूसरे हाथ से नेगेटिव लो, समझे? ऐसी बात है तो कल तुम्हें मकान भी मिल जाएगा। ओके। मिस्टर इंद्रमोहन मजनू, अब आपकी जगह बड़े मकानों में नहीं, जंगलों और रेगिस्तानों में है। और मैं कोई लैला नहीं हूं। आप तो मुझे यह घर दे चुके हैं, अब कहीं दूर जाकर किसी और लैला की तलाश कीजिए। यहां तो सिर्फ मैं और शक्ति रहेंगे। ऐसा मत करो नीलू, भगवान से डरो। अब भी ठीक रास्ते पर आ जाओ। निकल बात, देख लो रेखा जी, माँ जी का ऑपरेशन तो करवाना ही है, पर मुश्किल ये है कि 25,000 रुपए हम लोग कहां से लाएंगे? अरे उस्ताद, फिक्र किस बात की? ये जो गाड़ी है ना, ये किस दिन काम आएगी? 25,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ माँ जी, आप यहां कैसे? बेटा मुझे ये कार वापस चाहिए। मुझे गलत मत समझना बेटे, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगी। ये पूरे 25,000 हैं, अभी मेरे पास इतने ही हैं। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दूंगी। माँ जी बात क्या है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती बेटे। अगर ये कार तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ जी ये गाड़ी आपकी है, आप इसे ले जाइए। नहीं बेटे, मैं इसे मुफ्त नहीं लूंगी। ठीक है, आपने मुझे ये गाड़ी 10 रुपए में बेची थी ना, आज मैं ये गाड़ी आपको 10 रुपए में देता हूं। इंसान सोचता कुछ है और भगवान कर कुछ देता है। समझ में नहीं आता 25,000 रुपए कहां से आएंगे। लगता है मुझे फिर से वही पुराना धंधा अपनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे होते ये सब करने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए मेरे पास जमा पड़े हैं और गुलाबों के 15,000 के गहने हैं, हो जाएंगे। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मां का इलाज होके रहेगा। नहीं, मैं आपके जीवन भर की कमाई नहीं ले सकती। हाँ अगर हमें बेगाना समझती हो तो बेशक ना लेना। अपने बेगानों की असली परख मुसीबत के वक्त ही होती है। हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम तो फर्ज निभा रहे हैं। भगवान न करे अगर कल के दिन हम पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो तुम हमारा साथ नहीं दोगी? तुम हमें अपना समझो या न समझो, मगर हमने तो तुम्हें अपनी हमेशा बहन समझा है। ये लो तुम्हारी कार तुम्हारे हवाले। थैंक यू। और ये लो बेटी के कारनामे। और नेगेटिव? नेगेटिव भी मिल जाएंगे जब आपका मकान मुझे मिल जाएगा। हा? वरना आप काफी समझदार हैं, नेगेटिव कब चाहिए। बाय। लगता है राजू भैया का किसी पे दिल आ गया। यही हमारी होने वाली भाभी है। अबे चुप रहे साले, एक दिन मर जाएगा तू। अरे तू रहा लट्टू का लट्टू, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं ऐसे बच्चों की अम्मा बना देता। चुप। अच्छा एक बात सुन, तू यार ये लड़कियों को पटाता कैसे? आज मैं तुझे इसका फार्मूला बताता हूँ, आजा।
ये क्या है? पी ले, पी ले। अरे पी 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 बढ़िया चीज़ है यार। पी 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 ले। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हटो पीछे, अरे अरे हटो हटो, मेरी जान, मैं पानी डाल दूंगी। अरे मेरी जान, मेरे Thank you.
बनाकर पीऊं मैं तेरे रूप की मदरा, पीऊं मैं तेरे रूप की मदरा, गोरी ये कटा कट मरी जा, मरी जा कट के जाऊं, जन्म भर साथ निभाऊं, मरी जा कट के जाऊं, जन्म भर साथ निभाऊं। मैं गुजरात की छोरी करीब में जाना था, आप लिफ्ट दे देंगे क्या? हाँ यार आओ ना। जिधर मैं बोलता उधर लेके चलने तो उड़ा दूंगा साले। अरे क्या करो ये? अबे चल, अबे चल ना। अरे चल। सर ये वही आदमी है जो रेखा को जानता है। साहब मैं किसी रेखा वेखा को नहीं जानता हूं। मुझे पता है तुम जानते हो, बताओगे तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। 2 लाख, 4 लाख, नहीं 5 लाख, नहीं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। न जाने क्या। रजनी, 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 रजनी क्या कर रही हो? माँ, माँ, पॉइजन? नहीं रजनी नहीं, मैं जानता हूँ माँ की मौत का जिम्मेवार कौन है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मत रो मेरी बहन, तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा भाई अभी जिंदा है। कमीने, ये क्या करता है? क्या बात है भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा कसूर तो बताओ। जिस मासूम की मांग को अपने खून से भरने का नाटक किया है तुमने, वो मेरी बहन लगती है। रजनी नाम है उसका। भूल तो नहीं गए के याद दिलाओ? हाँ भाई साहब, मैंने कब उसे अपनी पत्नी बनाने से इनकार किया है। मैं तो खुद उसे तलाश कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो खुद उससे पूछ सकते हैं। मैंने उससे शादी करने का वादा भी किया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। मैंने जो कुछ किया आपकी बहन की मर्जी से किया है। अगर अब भी आप मुझे कसूरवार मानते हैं तो बेशक आप मेरी जान ले लीजिए, मैं आपके सामने हूं। तो फिर तूने उसकी गंदी तस्वीरें क्यों ली? मैंने कुछ नहीं किया जी, ये सब उसकी सौतेली मां नीलू की करतूत है। वो कमीनी तो मुझे भी ब्लैकमेल करने की धमकी देके गई है। वो फोटो और नेगेटिव सब उसी के पास है। ठीक है,
मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मां जी की मौत के बाद भी नीलू अपनी गंदी और कमीनी हरकतों से बाज नहीं आई। बात बात पर रजनी को ब्लैकमेलिंग की धमकियां देती है। कितनी गंदी और गिरी हुई औरत है वो, मगर औरत है इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तुम अभी यहीं रुको, मैं खुद उसके पास जाती हूँ। गाड़ी की चाबियां और नेगेटिव्स देखती हूँ वो कैसे नहीं देती। तुम फिक्र ना करो। सीधी तरह से नेगेटिव निकाल और मेरे हवाले कर। मुझे मत मार, तुझे नेगेटिव चाहिए ना, ये ले। पूरे है ना? हाँ हाँ सभी है। गाड़ी की चाबी निकाल। कौन सी चाबी? कौन? ओह गॉड, बहुत बेवकूफ है ये भी, समझती है मुझे लूट कर ले गई, मुझे कंगाल कर गई। मगर ये तो मेरे लिए एक अनमोल खजाने का मुंह खोल गई। रेखा जिसकी बहुत दिन से तलाश थी मुझे अपने आप ही मिल गई। शक्ति? हाँ शक्ति, मैं नीलू बोल रही हूँ। वो खजाना जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गई। हाँ हाँ रेखा, वो रंगीला गैरेज में कारों की धुलाई का काम करती है लड़का बनकर, और राजू मैकेनिक की गर्लफ्रेंड भी है। हेलो शमशेर सिंह जी, उस चिड़िया का पता चल गया है जिसकी आपको तलाश थी। वाह, बस जल्द से जल्द उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। बहुत अच्छा, कब ला रहे हो? लेकिन हमारा 5 पेटी का बंदोबस्त रखना, हम सब कुछ पैसों के लिए ही करते हैं, समझे? समझ गए ना? तुम फिक्र ना करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये नेगेटिव्स और ये चाबी। वाह क्या बात है, है? मगर राजू वहां पर मेरे बाल खुल गए थे। नो प्रॉब्लम्स। एक काम करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए रजनी के यहाँ ठहर जाओ, सेफ्टी के लिए। आओ मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, आओ चल। हेलो, हाँ होल्ड ऑन राजू भैया, आपका फोन है। मैं आया। हेलो, अरे मैं सुभाष अग्रवाल बोल रहा हूँ भाई, पहचाना? आपका वही पुराना कस्टमर। कहिए अग्रवाल साहब, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? राजू मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जू पर महात्मा गांधी का स्टैचू है ना, वहीं पर, फौरन चले आओ। सॉरी अग्रवाल साहब, इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी तो नहीं आ सकता। तो असिस्टेंट को भेज देना, क्या नाम है उसका? कौन, राम शरण दास? हाँ वही राम शरण दास, उसे ही भेज दीजिए, शायद मामूली सा नुक्स है, वही ठीक कर देगा। मगर वो तो काम छोड़कर चला गया। कब? उसे गए तो 3 दिन हो गए। कहाँ गया? अपने गांव।
कौन से गांव? ये तो वही जाने या राम जाने। ये गुब्बारे की तरह पेट क्यों फुला रखा है? हॉर्न बजा के कहीं पेट्रोल पंप से हवा तो नहीं भर के आई? क्या कैसे बुद्धू हैं आप भी? महापुरुषों की वाणी सत्य होने जा रही है। आप बाप बनने वाले हैं। मेरे बच्चे की बाप बनने वाली हो। बच्चे की? बच्चे की नहीं, बच्चों की कहो। अंदर जैसी हलचल हो रही है उससे लगता है कि एक से ज्यादा ही है। अरे जय हो प्रभु, मेरी उम्र दुगनी और चौगनी हो गई है एक्सीडेंट दबा के। अरे मैं तो भूल ही गई, आपको रेखा और राजू के साथ पागल खाने जाना था। ठहरो मैं खाना लगा रही हूं। खाना बनाएगी? चुप, मरेगा तो कह दूंगा, वो बनाएगी। तू आराम कर, ब्रेक लगा के, ब्रेक लगा के। मगर रेखा है कहाँ? ये मैं हरगिज नहीं बताऊंगा। बेशक तुम मेरी बीवी हो, मगर हो तो औरत, और औरतों के पेट में कभी बच्चा छिपा है? यानी औरतों के पेट में कभी कोई बात छुपी है? अब देख, तूने अपना राज आउट कर दिया ना कि मैं एक से ज्यादा बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। अच्छा सुन, मैं रामू और जमूरे को साथ लेके जा रहा हूँ, और तू अपना ख्याल रखना, और खास तौर पर अपनी प्रॉपर्टी का। रो रहा है। खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आप झूठ तो नहीं बोलते होंगे, हेरा फेरी भी नहीं करते होंगे, रिश्वत तो बिल्कुल नहीं लेते होंगे? हाँ। ये भी बहुत बड़ा पागल लगता है। पीस है, अपने आप को टाइम पीस समझता है, पूरे का पूरा दिन टिक 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 करता है। पापड़ अलम जाया, अलम जाया, मैं इसका अलम बल करता हूं। पापड़। देखिए, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं यही किसी नदी नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ठीक है ठीक है। ये हुई ना कोई बात, मेरे सोना। ये देगा चांस। वो है, हमें इनके कुछ टेस्ट लेने हैं, व्हील चेयर लेके आओ। माजी कहाँ गई? बॉय। जी सर। माजी कहाँ है? उनको डॉक्टर साहब टेस्ट के लिए ले गए। टेस्ट के लिए? जी सर। नहीं, मैंने तो उसके टेस्ट लेने के लिए किसी भी डॉक्टर को उनके पास नहीं भेजा। हा? कौन था वो? आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग। चलो सर। ये भी उसी गैंग का एक आदमी है, पकड़ो उसे। ये तो चला गया। निकालो सारे को बाहर। इधर साले रामजादे, बता तू रेखा के पीछे क्यों पड़ा है? बता, बता दे वरना तुझे नर पहुंचा देंगे। बता उस्ताद, लगता है इसे जान से मौत ज्यादा प्यारी है। तो कर दो इसका कल्याण हॉर्न बजा के। ये बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की गली। मारो, इनको मत मारो। रेखा, रेखा के पीछे ना, नहीं शमशेर सिंह पड़ा है। शमशेर सिंह कौन?
कौन है शमशेर सिंह? वो रेखा के पीछे क्यों पड़ा है बताओ? वो हमारा बॉस है, रेखा से शादी करना चाहता है। असल में रेखा एक करोड़पति घराने की अकेली वारिस है। जब वो छोटी सी थी तो शमशेर ने उसके बाप को मरवा डाला और उस दिन मैं शमशेर के साथ था। अरे आ गए आप, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आपको मेरी कसम, बताइए ना क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? शमशेर सिंह ने आज धमकी दी है कि जमीन उसके नाम लिख दो, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। क्या ऐसा कहा उसने? ये रोज रोज के झगड़े, धमकियां और आपकी ये परेशानी, ये सब और नहीं देखा जाता मुझसे। कुछ भी हो मैं ये जमीन नहीं छोड़ूंगा, ये जमीन मेरी है, सिर्फ मेरी। लेकिन ऐसी जमीन का क्या फायदा जिसके होने से कोई सुख ना हो, बल्कि जिसके होने से हम अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खो दें। सुनो देखो हमारी ये नन्नी सी जान है और नन्ना सा ये परिवार है, छोड़ो इस जमीन के पचड़ों को, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। तुम क्या चाहती हो, मैं शमशेर के लिए गांव छोड़ दूं? शमशेर सिंह के लिए नहीं, हमारे लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए हम ये जमीन बेचकर शहर चले जाएंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। आओ बेटा। अच्छा तो जमीन बेचकर शहर जाने की तैयारी कर रहे हो, मगर जिंदा रहोगे तो जाओगे ना? नहीं, नहीं। और तब रेखा को उसका एक वफादार नौकर अपने साथ ले गया और तभी शमशेर सिंह को पता चला कि उसके पिता एक वसीयत छोड़ गए हैं, उसके अनुसार सारी जायदाद रेखा के नाम पे हो जाएगी और शादी के बाद रेखा के पति की। पर लेकिन उसमें एक शर्त भी है कि रेखा की शादी उसकी मां के बगैर कभी नहीं हो सकती। और तब से शमशेर सिंह रेखा और उसकी मां को ढूंढने में लगा है। इसका मतलब है कि शमशेर सिंह नहीं, रेखा की मां को पागलखाने से अगवा किया है। नहीं, उसको कोई और अगवा करके ले गया है। लगता है शमशेर सिंह का राज किसी और को भी पता चल गया है। ये शमशेर सिंह रहता कहां है बता? शमशेर सिंह बहादुरपुर के बाहर के हवेली में। अरे ये तो मर गया। ये नीलू देवी हैं, इन्होंने अपने सारे काम पूरे कर दिए हैं, रजनी और शक्ति को ऊपर पहुंचा दिया है और रेखा और उसकी माँ को हमारे पास। शक्ति को ऊपर पहुंचा दिया, ऐसा क्यों भाई? साहब रेखा को मैंने ढूंढा और हिस्सा वो आधा ले, ये बेइंसाफी है। इसीलिए मैंने ऐसी चाल चली कि उसको और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मरवा डाला। शाबाश जोसेफ, रेखा की इतनी सेवा करो कि वो अपने आप शादी के लिए राजी हो जाए और इनका पूरा हिस्सा दे दिया जाए। चलो। नीरू जी, नीरू
ये आप यहाँ कैसे? मुझे मेरे केक की सजा मिल गई है। स्वर्ग नरक इसी जमीन पर है बेटा। बेटा तुम रेखा को ढूंढ रहे हो ना? वो और उसकी माँ शमशेर सिंह के कब्जे में है। शाम को वो उससे शादी कर रहा है बेटा। चंपा भाई स्टेशन के सामने है, उसे बचा लो बेटा, उसे 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 बचा लो। हे भगवान। देख छोरे, मैंने तेरी बातें सारी समझ ली। मैं भी तो एक औरत हूँ, इसलिए उस लड़की के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी सेना को लेकर शाम तक यहाँ आ जाओ। चंपा बाई, आप धन्य हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं?
से मत हिलना। अरे रेखा क्या करोड़पति बन गई, हम लोगों को भूल गई। भाई हम लोगों को भूल गई ठीक है, राजू को भूल गई। अरे रे रे रे। अरे साहब गरीब की हैसियत ही क्या है, कागज पर पेंसिल के निशान की तरह है। अमीर ने रबर उठाया और मिटा दिया। ये कौन है भाई? नमस्ते जी, मुझे हर हाईनेस रेखा जी ने भेजा है। आप में से राजू साहब कौन है? ये कहिए क्या काम है? ये आपके लिए और आप सबके लिए है। हा? इसमें क्या है? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। बम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? हर हाईनेस रेखा जी ने ये भी कहा है कि आप सब लोगों ने जो उनकी मदद की है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर रेखा जी है कहाँ? वो लंदन चली गई हैं अपनी माता जी का ऑपरेशन कराने। आप इसे ले जाइए। सॉरी मुझे इसकी इजाजत नहीं है। गुड डे। वाह रेखा वाह, क्या बदला चुका है अपने एहसानों का। इसमें कोई नई बात नहीं की उस्ताद, सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। ये अमीर लोग मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलते हैं और अपने एहसानों का बदला नोटों से अदा करते हैं। अच्छा उस्ताद मैं भी चलता हूं। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? जहां किस्मत ले जाए। क्यों, हम तो अमीर नहीं है, हम तो वही हैं जो पहले थे, तुम्हारे अपने। हम गरीबों को छोड़कर क्यों जा रहे हो भाई? क्या हमसे कोई गलती हुई है? आपके एहसानों का बदला तो मैं सात जन्म तक नहीं चुका सकता उस्ताद। सदा कौन किसके साथ रहता है, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। अपनों से बिछड़ते हुए दुख तो होता है, मुझे भी हो रहा है। चंद आंसू आप बहा लेना, कुछ मैं बहालूंगा। नहीं राजू नहीं, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। नहीं राजू। भाभी भैया हमें छोड़कर मत जाना। नहीं भाभी। राजू हमें साथ ले आना, चलो। लगो आराम से, आराम से। राजू चलिए भाभी चलो चलिए। नर्स जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। अच्छा बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। बाप बन गया। अरे मैं बाप बन गया। मुबारक हो, आपका और एक बेटा हुआ है। अरे डबल मुबारक हो, डबल मुबारक हो। हम दो, हमारे दो। अरे गुलाबो तूने तो गवर्नमेंट को खुश कर दिया। दो 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 दो। बधाई हो, आपको तीसरा बेटा हुआ है। अरे वाह उस्ताद मुबारक हो, तीन तीन एक साथ। अच्छा तेरा बाप पालेगा तीन तीन बच्चे? अरे सरकार भी नाराज हो जाएगी, तीन बच्चे। अरे गुलाबो ब्रेक लगा, हैंड ब्रेक लगा। बधाई हो, आपको चौथा भी बेटा ही हुआ है। उस्ताद तूने तो सीधा चौका मार दिया, सीधा चौका मार दिया। अरे इससे पहले कि दूसरी आवाज आए अंदर से रोने की, मैं तो मर जाऊंगा। उस्ताद 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 उठ। नाउ इट इज ऑल ओवर। गुलाबो थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। अब मेहरबानी करके जरा डिक्की बंद कर दे, डिक्की बंद कर, नहीं तो मैं गाड़ी चेंज करूंगा यार।
गिराना नहीं संभाल संभालू फेर लिया जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। वैसे कोई नई बात भी नहीं, जब भी कोई गरीब अमीर होता है तो पीछे रह गए गरीबों को जलन तो होती है। मैं पैसे वाली हूं, अक्कड़ वाली हूं, घबंडी हूं, मैं बदल गई हूं। हां मैं बदल गई हूं, क्योंकि मेरे तन पर वो कपड़े नहीं रहे जो कि गरीबी की दुहाई देते थे। इन कपड़ों से जलन है ना तुम्हें, है ना? तो लो मैं इसी वक्त इन्हें उतार फेंकती हूं। आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि मैं बदल गई हूं? भला मैं आप लोगों के बगैर रह सकती हूं? आज तक हमने गरीबी मिलकर बांटी है, अब आओ अमीरी की सुख भी बांट ले। सो क्यूट, वाह क्या चौका मारा है। अरे शुगर है, छक्का नहीं मारा। अरे ये जो गलती मैंने की है, एक्सेलेटर दबा के भाई, एक दो तीन चार पांच। आप लोग गलती मत कीजिए वरना पछताएंगे। मस्ती कीजिए मगर संभल कर।